नमस्कार न्यूज 18 महानगर सह मु विभरंजन प्रथम एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। राज्य में महामारी मुकाबला पाई आउ एक पदक्षेप, 16 जिले में आरटीपीसीआर लैब पाई 20 कोटी टंका मंजूर करिसेंती मुख्यमंत्री। यह द्वारा संक्रमित चिन्हट और तुरंत चिकित्सा त्वरान्वित हो पारिबो मुख्यमंत्री आशा व्यक्त करिसेंती। 16 जिला हेउछि भद्रक, बौद्ध, ढेंकानाल, गजपति, खोर्धा, जगत सिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, नवरंगपुर, मालकानगिरी, नुआपड़ा, सोनपुर, कंधमाल, सुंदरगढ़, रायगड़ा एवं बरगढ़ सदर महकुमार गोटे गोटे आरटीपीसीआर टेस्ट सेंटर प्रतिष्ठा पाई 20 कोटी टंका मंजूर होई। टेस्टिंग सेंटर गुड़िक सबुदिन लोकंकु सेवा जोगाइब। एथिपाई प्रति जिले में जणे लेखाए माइक्रोबायोलोजिस्ट एवं 3 जण लैब टेक्नीशियन को नियोजित करा जिवो। राज्य में महामारी मुकाबला पाई आउ एक पदक्षेप निया। 16 जिले में आरटीपीसीआर लैब पाई 20 कोटी टंका मंजूर करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यह द्वारा संक्रमित चिन्हट और तुरंत चिकित्सा त्वरान्वित हो पारिबो मुख्यमंत्री आशा व्यक्त करिसेंती। 16 जिला हेउछि अर्थात जो सबू जिले में आरटीपीसीआर टेस्ट केन्द्र व सेंटर प्रतिष्ठा होगापी जाऊँगी से सबू जिला हेउछि भद्रक, बौद्ध, ढेंकानाल, गजपति, खोर्धा, जगत सिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, नवरंगपुर, मालकानगिरी, नुआपड़ा, सुवर्णपुर, कंधमाल, सुंदरगढ़, रायगड़ा एवं बरगढ़। एसबू जिलार सदर मुकमार गोटे गोटे आरटीपीसीआर टेस्ट सेंटर प्रतिष्ठापी 20 कोटी टंका मंजूर कर। टेस्टिंग सेंटर गुड़िक सबुदिन लोकंकु सेवा जोगाइबो। एथिपाई प्रति जिले में जणे लेखाए माइक्रोबायोलोजिस्ट और 3 जण लैब टेक्नीशियन को नियोजित करा जिवो। कटक में कालबैशाखी तांडव पर लंकाकांड। बालिसाई नुआपड़ा अंचल में प्रतिष्ठा होता अस्थायी शिविर टेंट भुशुड़ी पड़ा कारण उत्तेजना देखाई। शिविर में रोकता लोकने पुलिस और सीएमसी कर्मचारी गोरवा सहित तो गाड़ी गुलज कर आक्रमण कर पुलिस गाड़ी को मध्य लोके आक्रमण कर स्थिति उत्तेजनापूर्ण थे पुलिस फोर्स मुतयन कर पर कटक चौदवार विधायक सौभिक विश्वाल और पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल घटनास्थल पहुंची लोकों को बुझासुझा करने चेष्टा करने सहित समस्या समाधान प्रतिश्रुति विफल होता विस्थापित लोकों स्थायी जमी पट्टा विस्थापित लोक स्थायी जमी पट्टा दाबी अड़ी बस बड़ मेडिकल संप्रसारण पर कटक मालगोदाम बेहरा साई में रोकता बस्ती बासिंदा उच्छेद करने नुआपड़ा बालिसाई अंचल में सीएमसी पक्ष टेंट कर थैथान कर तेज आज कालबैशाखी वर्षा दुईट अस्थायी टेंट संपूर्ण भांगी जाई जो गोटे टेंट खसी जा से पूरा उत्क्षिप्त हो जाते उत्क्षिप्त होकर आम स्टाफ जो मैंने सीएमसी स्टाफ थे सीडीएफ टीम थे बहुत जोर बाड़ापिटा करते बाउंस धरिक गोड़े की बाड़ापिटा करते जड़े लोक आम इंजर्ड हो अलरेडी एसबीए को आम सिफ्ट कर 108 आंबुलांस गोटे पूरा ग्रुप होकर अटाक करने पुलिस गाड़ी भी भांगी आम सीडीएफ रोटे बोलेरो को भी भांगी समस्त पैसा सहायता दिखाई से 8 दिन जो टेंट रहा कथ 8 दिन पूरी जाए तो गोटे साइड टेंट भांगी जाए जहां खबर पाई स्पट अपूर्त जाइनी से बाट घेरिक रखते क्षतिपूरण किसी आज क्षतिपूरण दिखाऊपूरण लोक मैंने आज सका क्षति तार क्षतिपूरण दिखा आपण देखुले कटक्रु जो अस्थायी भाव में थैथान कर प्रबल वर्षा पवन फल आज भांगी पड़ी और लोके उत्त्यक्त हो पुलिस उपरक आक्रमण करने पछाई नथिले तेबे वर्तमान कौन प्रयास लोकमानन को केमिति पुणी थैथान कर प्रशासन कौन चिंता करुछि लोके केमिति बुझिबे अधिक सूचना कटक्रु देवाशीष धळ आम सहित जोडुछन्ती। कटक वर्तमान देवाशीष वर्तमान स्थिति कौन अच्छी प्रशासन कौन पदक्षेप नहीं पारे और लोकं केमिति पुणी थरे थैथान कर तो मध्यान समय पूर्वतन विधायक प्रभात चंद्र विश्वाल से बारंबार लोक प्रयास कर जारी रखते अंपटे पुत्र कह सौभिक विश्वाल विधायक सी पहुंची प्रयास बाट बाहरी नाला से गोटे जिदि धरते विधायक बारंबार बुझेते आम आपण को जहाँ दाबी अच्छी आम सबकि रखू जेहेतु गोटे समय ठीक ना गोटे समय दि जाऊे राजी होन से गोटे जिदि धरते आम जिलापाल देखा करूँ तो निजे प्रभात चंद्र विश्वास अंपटे पुत्र विधायक सौभिक विश्वास गोटे पदयात्रा कहपर प्राय 10 किलोमीटर एपर्त चली सारे भाई 5टा बेलू बाहर सन्या 6:30 चली सीधा आम प्रधान पूर्वतन विधायक अच्छे आम सीधा सीधा कथा केत रहा चैलेंज थी गोटे देखो गोटे समस्या अकाल काल बैशाखी एभली है लोक कौन दाबी रहा आप कौन बुझा चेस्टा कर हटात गोटे काल बैशाखी आसी जो
कटक महानगर निगम पक्षर बस्ती बासिंदा मान थैथान करने निष्पत्ति निया से बालीसाही ठारे समस्त को छत्रबजार बेहरा साई मालगोदाम बेहरा साई छत्रबजार दास साई समस्त पाखापाखि प्राय हजार ऊर्ध पर थैथान करने से स्थान निरूपण कर अनुसार टेन्टर व्यवस्था कर थैथान करवस्था कर तीन दिन पूर्व से टेन्ट कर एक प्रकार एक घूर्णिबात्या है प्रबल वर्षा है जो थे से टेन्ट टी भांगी जाकर रिएक्शन रहा जिलापाल आसतु आरडीसी आसतु कमिशनर मैडम आसतु आम गोटाए रु पांचटा पर्यटन बुझेलु से बुझी नथिले जेहेतु कोविड नियम रही जिला प्रशासन कटक महानगर निगम कमिशनर मैडम समस्त मैंने कोविड कोविड को कंट्रोल करने व्यस्त रही संभव नाला से जा समय गोटे गहरी में भेटापी पंदर जन जिलापा सहित आलोचना करी पंदर जनीया गोटे टीम जाए आलोचना करने समस्ते बाहर से आम जिलापा भेटबू कमिशनर मैडम को भेटबू आम जो दुखरे अच्छु जो प्रकार एक प्रबल वर्षा और घूर्णिबात्या आसला जो थे घर टेन्ट गुड़िक भांगी जामें कमी रहीबु आमको आम जी जगह दि जाइए तार जगह से पटावा संपर्क में समस्ते जिद धरी जहाँ से बुझे ना जिलापाल महोदय को टेलीफोन जगे जन जिलापाल महोदय कही साढ़े छटा बेलू आसी सब प्रकार सरकार तरफ सुविधा दिहला कि असुविधा अनेक प्रकार से कहते पुराणा जगह ठीक थी जेहतु गोटे भल कम होसीबी नवकल एसबी नवकल मानवर मुख्यमंत्री जो उद्देश्य अच्छे गोटे विश्वस्तरीय हस्पिटाल करने किसी कार्यक्रम कला बेले किसी विशेषकर बस्ती बासिंदा ठू आरंभ कर किसी व्यवसायी समस्त गोटे टे समस्या उपजुच्छे जो समस्या को आम चेष्टा कर जिला प्रशासन कटक महानगर निगम समस्ते आम चेष्टा कर कि भाव में समस्या हम ना मानव मुख्यमंत्री डायरेक्शन रही जड़िए कहीं ये बस्ती बासिंदा को उच्छेद कला बेले जड़िए कहीं समस्या न पड़ू से दिगरे राज्य सरकार विशेषकर जिलापाल कटक और कमिशनर मैडम समस्ते सचेतन सचेतन अच्छा कार्यक्रम करके गोटे अघटन आसव जो थे से प्रकार गोटे समस्या उपजीव से मन में रिएक्शन अच्छे नहीं कि जाऊ से समस्या किभ समाधान हम से जो मन भितर जो रही आम को काले आम समस्या पड़जु आशा करें आलोचना बिल्कुल देवाशीष आम आशा करूँ कि स्थानीय प्रशासन उद्यम यार समाधान हो लोक किभली भाव में सुरक्षित पुणि थे थैथान कराऊ खाद्य जगह दि जाऊस लोक नवेदन कि केवे से आईन को हाथ को नियंतु ना बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष आप समस्त सूचनापी राजधानी में टीकाकरण व्यापक और व्यवस्थित भाव में चली मंगलवार राजधानी चारिट स्थान एसप्लानेड उत्कल कनिका गैलेरिया सिंपोनी मॉल और किट इंडोर स्टेडियम ड्राइव इन वैक्सीनेशन होता बेले काली डीएन रेगालियामसी पक्ष सूचना दीजाई यार सफलता पर टेस्टिंग ऑन व्हील व्यवस्था कार्यकारी करने नहीं चली विचार विमर्श टीकाकरण केन्द्र में ना भिड़ ना ही हो हल्ला ऑनस्पॉट टीकादान बंद केवल प्रीस्लॉट बुकिंग पूर्व बुकिंग लोकं ही दि जा टीका मंगलवार राजधानी भुवनेश्वर में सुरखुरी हो टीकाकरण अधिकांश टीकाकरण केन्द्र को आसी केवल प्री बुकिंग स्लॉट पाई आवेदनकारी स्पॉट टीकाकरण विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र में तत्काल पंजीकरण को बंद रखा अधिकांश स्थान रे व्यवस्थित ढंग रे टीकाकरण कार्य होइथिबा देखिबा पई मिलिछि नै एबे बहुत जगह रे कोविड टीका रे हेइ सेलना बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे तो जेति में के जोठी गल्ले बे ते गहळी किछि नै आराम से टीका देकी हि आसी होछि तो ऑनलाइन जो स्लॉटिंग हे जाय छि लोक तांग टाइम अनुसार आसुचोंदी हमर भी डिस्टेंस मेंटेन करिके रहउचोंदी ठीक सुविधा एने ठीक ठाक चालछि सब किछ मंगलवार भुवनेश्वर चारिटी स्थान में एकाथरक आयोजित होता वैक्सीनेशन ऑन व्हील बा गाड़ी रे टीकाकरण कार्य पूर्व स्लॉट बुकिंग करथिबा तथा टीकाकरण डाकरा पाइथिबा लोकमाने निज गाड़ी रे आसी टीका नेथिले कल्पना छकस्थित उत्कल कनिका गैलेरिया पहाड़ सिंपोनी मॉल किट इंडोर स्टेडियम और रसुलगढ़ एसप्लानेड मॉल रे एभली टीकाकरण आयोजन होता
ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକା। ସହରର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆପଣ ଯଦି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇଯିବେ, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା, ଗାଡ଼ି ହିଁ ବେଟର ଅପସନ୍ ମୋ ଜାଣିବାରେ। କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ୱାନ୍ ମଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠାରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଟ୍ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ନଖରାରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ହଁ, ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଟ୍ସ ଭେରି ସ୍ମୁଥ ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରାହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସୋ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟେଡ୍ ବି ସେ ଭିତରେ ପୁରା କ୍ଲାରିଟିରେ ମିଳୁଛି। ସୋ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଏ ଜାଗାରେ କିଛି କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ନାହିଁ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଇଜିଲି ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଦେୟାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର କମ୍ ବଚିବ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆଉ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଭଳି ଆଗକୁ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରି ବୁକିଂ ସ୍ଲଟ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିକାକରଣ। 13 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକା। ଖୋଦ୍ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବିଭିନ୍ନ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟିକା ନେଲେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକେ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି 13 ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ପରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହିତ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ। ବୁକିଂ ମେସେଜ୍ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଲୋକେ ନେଇଛନ୍ତି ଟିକା। ଶୀଘ୍ର ଟିକାକରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆସିବା କଥା, ତାକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ ଆଉ ସ୍ମୁଥଲି ହେଇପାରିବ। ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ କୋପରେଟିଭ ବି ଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଟୋକେନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକରି ଆମେ ଲାଇକ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଯାହାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁବିଧାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର 8 o'clockର ସ୍ଲଟ୍ ଥିଲା, ଆମେ 7:30ରୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ 8 o'clockରେ ସାର୍ପ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର, ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁ ଚେକିଂ ସରିବା ପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଟିକା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ନେଇ ମିଳିଥିଲା ଅନୁମତି। 45 ଦିନ ପରେ ଦିଆଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍। କିଭଳି ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ଖୋଦ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବିଏମ୍ସିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଆଗରୁ ହେଇଥାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତେଲୁଗୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଟୋକେନ୍ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଟୋକେନ୍ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛୁ। ଆମର 13 ସେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ହେଇଛି। 13 ସେଣ୍ଟରରୁ ଖଲିକୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକ ତାଙ୍କର କାର୍ ନେଇକି ଆସିବେ, କାର୍ରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଓ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସକାଳ 8:00ରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସର ଲୋକମାନେ ନେଇପାରିବେ ଓ ଦିନ 3:00ରୁ 6:00 ପରେ 45 ବର୍ଷ ଆଣ୍ଡ ଏଭବ ନେଇପାରିବେ। 18 ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 8:00ରୁ ଅପରାହ୍ନ 1 ଏବଂ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ 3:00ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସେପଟେ ରାଉରକେଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟିକାକରଣ। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକେ। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ସହିତ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଥିଲା ପୋଲିସ। ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲାରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିକାକରଣ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି 8 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଇଜିଏଚ୍, ଆର୍ଜିଏଚ୍, ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲ, ୟୁସିଏନ୍ସି ପାନପୋଷ, ଇଏସ୍ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେକ୍ଟର 6 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ରେଳବାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଓ ସେଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଟାଉନସିପ୍। ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରରେ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକେ।
टीका नेबा समय रे सामाजिक दूरता रक्षा सह अन्यान्य दिग प्रति ध्यान दिया जाथुआ कहिसंती आरएमसी सीईओ। एबे हमरा 8टी जगह रे चली छि वैक्सीनेशन 500 ईच एट ऑल द प्लेसेस लोकमानन को सब मेसेज जाय छि जो मानन को मेसेज जाय छि से माने आसे छथि एवं काफी सक्सेसफुली एबे बिना किछि इश्यूज रे वैक्सीनेशन होइ छि जोठी टिके लोक आसी कि कहार परिवार वर्ग सांगे आसुँचे स्ट्रिक्टली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आम वॉलंटियर्स अच्छा से बस कौन कि सिस्टमेटिकली एवं पर्यटन सब ठीक ठाक चली शांति श्रृंखलार सह टीकाकरण सजग रही पुलिस से हीपरी विभिन्न स्थान में टीकाकरण व्यवस्था होगा द्वारा अधिक समय लाइन में छिड़ा पड़ुनि जहाँ को नहीं खुशी प्रकाश कर लोके पंजीकरण करी थ्रु ऑनलाइन आरोग्य सेतु आप ऑनलाइन रु टीका पंजीकरण करी आज आसे आधार कार्ड देखे पंजीकरण फास्ट डोजा नबु ना नेबु लाइन में छिड़ा आगामी दिन में आहरी सुरखुरी टीकाकरण हो आशा रखी प्रशासन जिला प्रशासन पक्षर टीकाकरण राउरकेला सहर से 8टी जगार टीका केन्द्र व्यवस्था कराई कह जिला प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था मध्य कराई जिला टीकाकरण हिताधिकारी मान राउरकेला शुभम प्रधान। लॉकडाउन एवं शटडाउन समय घर बाहर ना वरिष्ठ नागरिक जहाँ भी समस्या थी से नहीं कल कर जनपारे कमिश्नरेट पुलिस पक्ष जारी होता हेल्पलाइन नंबर हो 8093028100 एभली पदक्षेप सहायक हो आशा रखिंट राजधानी वरिष्ठ नागरिक ट्विन सिटी रे वरिष्ठ नागरिकों सुरक्षा चिंता लॉकडाउन शटडाउन समय पदा को बाहर वरिष्ठ नागरिक फोन कले समस्या रो समाधान करिवो पुलिस एथिपई हेल्पलाइन नंबर जारी करिछि कमिश्नरेट पुलिस नंबर टी हैला 8093028100 सबु समस्या न होले भी जहां पुलिस माध्यम रे होई परिवो सेने प्रयास करा जो बोली कहिसंती पुलिस कमिश्नर वयस्क नागरिक बा सीनियर सिटीजन कर सहायता पई कमिश्नरेट पुलिस तरफ रु गोटे हेल्पलाइन सृष्टि करा दे एक हेल्पलाइन नंबर है 8093028100 ए योजना दल समस्त सीनियर सिटीजन को निवेदन करी जदि कौन बड़ समस्या पाखे आसे से नंबर में कंटाक्ट कले आम अप्राण उद्यम करूँ समस्या समाधान करने को कोविड समय रे अनेक वरिष्ठ नागरिक घरे एकुटिया रहउछन्ते महामारी समय रे कहा घर को किए जाई पार नहंते सौदापत्र औषध हे कि अन्य स्वास्थ्य समस्या ताकु नै चिंता रे थिले वरिष्ठ नागरिक एभली स्थिति रे पुलिस रो हेल्पलाइन नंबर व्यवस्था को स्वागत करछन्ते ठीक समय रे पुलिस डिपार्टमेंट तरफ रु ए जो हेल्पलाइन नंबर टी दिया गला ए निश्चय रे फलप्रद हो एटलीस्ट केही न होले तो पुलिस तांगु सहाय करिवो निश्चित भाव ए पुलिस डिपार्टमेंट यही समय बाहर कर बहुत बहुत अशेष अशेष धन्यवाद सीनियर सिटीजन हेल्प लाइन नंबर बाहर से बहुत फलप्रद हो जहाँफल कि आम पुलिस निकट में सहजे पहुँच पार्छ एवं पुलिस भी आम निकट में पहुँच पार्वं जहाँ सुविधा असुविधा यही हेल्पलाइन मध्यम पुलिस समाधान कर मोर आशा और विश्वास एबे सुधा कमिश्नरेट पुलिस वेबसाइट रे 25,000 वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण करिछंती प्रतिदिन सेमानक भलमंद बुझुची पुलिस भुवनेश्वररु दीपक सामल न्यूज 18 ओडिया। राज्य में कालबैशाखी वर्षा पश्चिम पर पूर्व मुहां हो कालबैशाखी बलांगीर बौद्ध सुवर्णपुर पर भुवनेश्वर कटक समेत विभिन्न स्थान में कालबैशाखी वर्षा भुवनेश्वर और कटक में प्रबल बेगर पवन और बर्षा हो झड़ बर्षा जो कि स्थान में गछ भांगी जाए लॉकडाउन जो कम लोक बाहर को बाहरी थी बर्षा पवन में विशेष कौन समस्या होना विभिन्न स्थान में वज्रपात जो केतेक लोकों मृत्यु होता सूचना मिली कालबैशाखी से श्रीमंदिर नीलचक्र बाना लगी होता बाउंश भांगी जाए कालबैशाखी प्रभाव में आज पुरी में प्रबल पवन सहित बर्षा होवन जो नीलचक्र बाना लगी होता बाउंश भांगी नीलचक्र लगी तेज नीतिकांति कौन प्रभाव पड़ना सेपटे पानीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन अनुसार राज्य में आसंता 14 तारीख सकाल पर्यंत कालबैशाखी प्रकोप जारी रहिबो
आसंताकाली सकाळ 8:30 मध्यरे 15 जिल्लारे घड़घड़ी सहित वर्षा वज्रपात सहित सर्वाधिक 40-50 किलोमीटर बेगरे पवन नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाय छी। जिलागुड़िक हेउछि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कंधमाल, बौद्ध, ढेंकानाल और मयूरभंज। आज दिनर सर्वोच्च तापमात्रा 6 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबा आसंताकाली पुणी 5 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब। यहाँ तापमात्रा अपरिवर्तित रहा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। अन्यपटे कालबैशाखी वर्षा नहीं सतर्क सूचना थिबा जिलागुड़िक आलर्ट रहा जिलापाल मानंकु निर्देश देइछन्ति एसआरसी। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, तेज हवा, लाइटनिंग, इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी ऑलरेडी हो रहा है, कुछ एरिया में हुआ है, कुछ अभी कोस्टल एरिया में तो कुछ कुछ जगह में हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगला 24 आवर्स में मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग, तेज हवा 40-50 किलोमीटर पर आवर, कुछ एरिया में 50-60 भी जा सकता है। और हमारा हेवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है कोस्टल ओडिशा, मयूरभंज, कंधमाल, ढेंकनाल, बौद्ध डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक तो जगह। फिर कल ठंडा